आई एल बी ऑनेस्ट आई थिंक जान जहां को हमारी ही नजर लग गई है क्योंकि तीन सॉलिड अमेजिंग एपिसोड के बाद सडनली ये जो लास्ट वाली एपिसोड थी इसका कुछ इतना मजा नहीं आया कैसे तुम्हें दिखाए एपिसोड स्टार्ट होती है वहीं से जहां पे पिछली वाली एंड हुई थी शहराम ने कबीर की पिटाई की उसके बाद वो अंदर आ जाता है और जो महानूर है वो उसके पीछे पीछे आ जाती है uh, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था वो वाला पार्ट बिकॉज महानूर के साथ उसकी बहन आयशा आती है और शहरा और साथ ही पीछे पीछे अदर आता तो वो दोनों बहन भाई जो है वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है uh, और महानूर आती है और बड़े मतलब रूढ़ तरीके से शहराम को कहती है कि यू नो आपको किसने हक दिया शहराम उसको कहने की कोशिश करता है क्योंकि अब शहराम यू नो वो अपने में आ रहे है, अपने कैरेक्टर में और उसे कहता है कि यू you नो know, मैं आपका मानूर मैं आपका मुहाफिज था हूँ और रहूँगा एंड मानूर बिल्कुल ही मतलब रक्त उसके पा, उसके फीलिंग्स को रोंगते हुए यू नो शी गो ऑन एंड सेल्स के मैंने तो आपको कभी यह हक नहीं दिया बट आई विद आई मीन इट्स नॉट लाइक ये जो पूरी लव स्टोरी थी शहराम और महानूर की ये वन साइडेड थी इफ एनी थिंग शहराम बेचारा तो अपनी मतलब उसमें वो जो उसको नशे में वो जो नींद की गोलियां थी वो तो उसमें था महानूर इज द वन हु एक्चुअली ब्रॉट हिम आउट फिर चाहे वो शहराम की बर्थडे हो या जनरली शहराम के बारे में हो तो महानूर डेफिनेटली लाइक आई विल नॉट से दैट दिस वॉज वन साइड थिंग फ्राम शहराम ओनलीज from both of them both of them you know were interested and visibly so to the other party so i so like now for manu to turn around and say ke uh, maine aapko kabhi ye haq nahi diya i think ye baat completely galat hai and you know wo karna uske baad phir जो बाकी सीन से जिसमें वो तैमूर और उसको उनके साथ वो जो हॉस्पिटल वाली बात कहता है तब भी you know मानूर बिल्कुल बिल्कुल like switch off हो गई है बिल्कुल ignore कर रही है एंड आई रियली डोंट थिंक के महानूर का जो कैरेक्टर था वो ऐसा दिखाया हुआ था कि अगर महानूर को अपने पेरेंट्स के लिए स्टैंड लेना भी था तो आई थिंक जो हमें महानूर का कैरेक्टर का एक बिल्डअप दिखाया हुआ था दिस इज नॉट द स्टैंड दैट दैट महानूर वुड हैव टेकन दैट महानूर वुड हैव सेट समथिंग और वुड हैव एटलीस्ट डन थिंग डिफरेंटली सो यू नो दैट फॉर मी वॉज डिसंटिंग दूसरी तरफ तैमूर जो है उसको अब पूरी तरह से अंदाजा हो चुका है कि शाहनूर के महानूर और, और शहराम के बीच में एक्चुअली शाहनूर इज सच अइस हैश टैग फॉर फॉर शहराम एंड महानूर एनी वे

टू शहराम अगेन आई डोंट अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड उसकी बहन का पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर आप एक स्टैंड ले रही हो अगर आपने नहीं करना तो अगर आप कोई अच्छी बात नहीं कर सकती तो आप आप कुछ भी ना बोलो लाइक यू नो यू जस्ट कम्पलीटली कट ऑफ स्विच ऑफ बिकॉज पहले भी महानूर ने यह किया था याद है शहराम के साथ जब वो जो um, रूमर चली थी कि महानूर है स्पेंट ए नाइट द हवेली तो महानूर ने पहले भी लाइक बिल्कुल अलूफ हो गई थी शाहराम से बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था

Um, उसके पेरेंट्स भी उसकी जो अम्मी और भाई हैं वो भी बड़े खुशी खुशी हैं बट आई थिंक के गुलजेब को कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो जाता है तबरेज की उस बात के बारे में बात के बाद कि यू नो आपने किसी को बताया तो नहीं है इन ऑल दैट कि इट्स नॉट going टू बी एज easy एज she was थिंकिंग एंड यू कैन सी दैट शिफ्ट हम सो यू नो नवल ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की हार इज वेल। I mean, आई मीन एक्टिंग तो सारे ही अच्छे कर रहे हैं बट uh, स्टोरी का देख रहे हैं कि स्टोरी कहाँ आगे जाती है um, तब्रेज का जो दूसरा वाला शो डाउन होता है विद हिज मदर सवेरा नदीम के साथ यू um, नो you know, सवेरा नदीम नोज इंस्टेंटली के तब्रेज ने जेवर चुराया है मतलब जो मर्जी हो जाए माँ को अपने बच्चों का पता होता है um, और वो उस चीज को प्रोकेट करने के लिए फिर उसको ये भी शेयर करता है कि जो पॉलिटिक्स uh, uh, में आ गया है और वो खड़ा हो रहा है एज ए कैंडिडेट तो उसको प्रोकेट करने के लिए शेयर करता है जितना भी मतलब प्रोकेट हो सके इन एनी इन दिस सिचुएशन इन एनी केस Um, जो सवेरा नदीम का जो रिएक्शन होता है जब शहराम कहता है कि अब तो आ गया शहराम मैदान में, में और यू you नो know, जब वो कहता है कि मैं um, खड़ा आऊंगा एज ए कैंडिडेट तो जो सवेरा नदीम का रिएक्शन होता है मुझे लग रहा था कि वो कोई ओवर कर लेगा या शहराम ही ओवर कर लेगा जब वो कहती है कि मैं उससे नफरत करती हूँ एंड ऑल दैट उसकी जो माँ है सवेरा नदीम की जो कैरेक्टर की माँ है उनका बड़ा मतलब एक इंटरेस्टिंग रोल है इसमें कि मतलब शी इज़ द वॉइस ऑफ रीजन इफ देर इज एनी इन छोटी अम्मी इज़ इन सवेरा नदीम कैरेक्टर लाइफ तो वो इंटरेस्टिंग कहती हैं कि यू नो अगर तुमने बेटा माँ नहीं लिया तो फिर तुम इतना क्यों उससे मतलब इस तरह से बिहेव कर रही हो um, उसके अलावा यू नो जो लास्ट सीन था आई रियली लाइक दैट अ बिट ऑफ अ मास्टर स्ट्रोक बाय शहराम जब वो अब्दुल को कहता है कि अगर आलिया की शादी हो जाती है तबरेज़ से एंड इफ़ शी इज़ अपसेट एंड इफ शी फाइंड्स आउट कि तुम्हें सब कुछ मालूम था और तुमने नहीं बोला तो तुम्हें तो, तु, 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 तुम्हारा कसूर होगा और वो तुम्हें ब्लेम करेगी और तुम्हें उसको बता देना चाहिए तो आई थिंक वो अब्दुल आलिया को बता देगा तो वो जो वो चीज़ है वो एक यू नो एक जो पूरी सिचुएशन है वो एक क्लाइमैक्स की तरफ बिल्डअप हो रही है उनकी सिचुएशन में वो आलिया को बता देगा आलिया प्रॉब्ली ना कह देगी आई रोटिंग आलिया के फादर को ऑनस्टी को इतना फर्क पड़ेगा भी इट्स ओके यू नो आई आई डोंट थिंक लाइक उनको फर्क पड़ेगा बट आई थिंक आलिया विल से नो सो अब्दुल एंड आलिया के जो सीन है वो तो आई थिंक वैसे दी एंड में थोड़ा सा ही हमें मिलेगा वो तो चल रहा है सही से पर अब मानूर और अब मानूर और शहराम की जो स्टोरी है वो अटक गई है और उसमें मुझे थोड़ा वो हो रहा है कि जैसे इस दफा मुझे इतना मजा नहीं आया एपिसोड देखने का और टीजर भी देख के कोई उस तरह से एक्साइटमेंट नहीं है कि ओ वाह यू नो ये एकदम से कोई चीज चेंज होगी लेट एस नो वॉट यू थिंक आई डिड यू एंजॉय दिस एपिसोड ऑफ जान जहां एज मच एज एंजॉय द प्रिवियस एपिसोड या यू विली नॉट सो मच